इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। तस्वीर का जो नेगेटिव रुख है वो तो सारा मीडिया बता रहा है, लेकिन तस्वीर का पॉजिटिव रुख देखो। याद रखना, इन्हीं कानून, अंधे और काले कानूनों के नतीजे में भारत में एक इंकलाब आकर रहेगा। ये एक बेहतरीन मौका हमारे मुल्क में आया है। ये घर बैठने का वक्त बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं। इस वक्त इस आंदोलन का साथ दो, और आंदोलन का साथ देने के लिए सबसे बढ़िया मौके तरीका है मोहल्ला कमेटी बनाओ। आज ही से अपने अपने मोहल्ले में मोहल्ला कमेटियां बनाइए, और मोहल्ला कमेटियां बनाने में तमाम समाजों के लोगों को रखिए, मर्दों को भी और औरतों को भी। अगर आप मोहल्ले में क्रिश्चियन लोग रहते हो तो उनको भी रखिए, सिख भाई रहते हो उनको भी रखिए, अगर ओबीसी हो, एससी एसटी के लोग हों तो उनको भी रखिए, मुस्लिम हो तो उनको भी रखिए, बौद्ध हो तो उनको भी रखिए, किसी भी समाज के लोग हों, आदिवासी हों, कोई हो, उनको रखिए उस मोहल्ला कमेटी में। और एक यूनानिमस बात आज तय करके उठिए कि हमें एनपीआर का टोटल बाइकआउट करना है, टोटल बाइकआउट करना है, टोटल नॉन कोऑपरेशन करना है। और हमें आने वाले उस भाई या बहन से जो एनपीआर के लिए हमारे पास आएगा उसके साथ हमें कोई गालम गलोच तो क्या करनी, अब रेस्पेक्टफुली आप उसका इस्तकबाल कीजिए। वो हमारा भाई है, वो तो सरकार का कर्मचारी है, उसको आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए उसको तो आना ही पड़ेगा, वो उसका अपना पर्सनल फैसला बिल्कुल नहीं है। हाँ, नरमी से उससे बात कीजिए और उसे कहिए, हमें बड़े बड़े वकीलों ने बताया है कि कानून ये है कि हमारी ही दी हुई मालूमात अगर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो तो मालूमात नहीं देनी चाहिए। हमें यकीन है कि हम आपको जो मालूमात देंगे वही मालूमात आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर मोहल्ला कमेटी एक्टिव होगी तो आप उनका वेलकम कीजिए और उनसे कहिए कि पूरे मोहल्ले की तरफ से हम लोग आपसे कह रहे हैं, घर घर जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए घर जाने पर इसरार करते हैं तो हम लोग सब जाते हैं। या जैसा कि मौलाना वैदुल्ला आजमी ने कहा था कि मोबाइल नंबर शेयर कर लीजिए और फिर जैसे ही आप में से किसी के घर पर कोई आए आप मोहल्ला कमेटी के लोगों को बुला लीजिए, रेस्पेक्टफुली उससे बात कीजिए। हमें जो करना है कानून के दायरे में करना है, हमें जो करना है वो संविधान के मुताबिक करना है। संविधान की हिफाजत के लिए खड़े होने वाले लोग संविधान को तोड़ नहीं सकते।